हेलो गाइस, वेलकम टू केडी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज मैंने वीडियो बनाया है एक एमएससी GN88D का, और उसमें प्रोटेक्ट प्रॉब्लम आ रहा था और उसका एसटीके मार्केट में नया नहीं था, और 412150, तो उसकी जगह मैंने दूसरा एसटीके लगाया है। तो आप देखिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम टू केडी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मेरे पास है सोनी MSC GN 88D and 77DV। तो इसके अंदर एसटीके लगा हुआ है, आप एसटीके नंबर देख लीजिए, 412150। बट मैंने आज एक और इसके जगह पे एक एसटीके चलता है 412250, इसके जगह पे ये चलता है एसटीके, और इसे सराउंड का ये है। फिलहाल ये वाला एसटीके मार्केट में नया नहीं है, ठीक है। तो मैंने रेडी कर दिया, और इसमें रेडी करने के बाद क्या प्रॉब्लम हो रहा था, जैसे एफएम पे रख रहे थे, जैसे एफएम पे जैसे ऑन करते स्टैंड बाई, स्टैंड बाई ऑन करने के बाद तो वो कुछ भी, मतलब पूरा हैंग जैसा हो जाता है, कुछ भी काम नहीं करता। जैसे अदर वीडियो में बताता हूँ, उसमें रैम ख़राब है, बट उसमें अलग चीज़ है वो, और ये चीज़ अलग है। तो इसमें मैं आज आपको बताता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम रहता है और कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। कौन सा भी सिस्टम रहेगा, अगर उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, जैसे हैंग हो रहा है, कुछ बटन काम नहीं कर रहा, तो उसमें आप क्या चेंज करेंगे। ये 7000 या 8000 वाट का सिस्टम है, फ्रंट में भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये दो एसटीके लगे हुए, एक नीचे एक ऊपर, मैं उसका नंबर भी नीचे कंफर्म कर देता हूँ, आप देख लीजिए, ठीक है, एकदम परफेक्ट चल रहा है। बहुत टाइम लगा इसको रिपेयरिंग करने में, क्योंकि काफ़ी टाइम से, और काफ़ी जन का एसटीके भी आता है, तो एसटीके के लिए जैसा 150 के लिए मैंने एक दो रिटर्न भी दे दिया था, क्योंकि उसमें यही प्रॉब्लम हो रहा था कि वो मिलता नहीं है, और ऊपर से लोकल मार्केट से लेके आते तो वो चलता नहीं है। इसमें एक मिनट में एसटीके नंबर आपको बता देता हूँ, 412250 है एसटीके नंबर इसका, जो इसमें चलता है 412150 की जगह पे, ठीक है, एकदम कंप्लीट हो गया। तो जो हैंग होता है उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, ये पुणे का पीस है, पुणे से मेरे पास लेके आए थे, क्योंकि उनका आना जाना था मुंबई में, तो वो मेरे पास लेके आए थे। टेप का तो मैंने कनेक्शन ख़त्म कर दिया हुआ है, और इसका एसटीके जो है दूसरा था, तो मैंने इसमें ऑल्टेशन करके दूसरा एसटीके लगाया है। ऑल्टेशन नहीं, मतलब चलता ही है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और जो हैंग होता है उसके लिए आप देखिए, ये क्रिस्टल लगा है ब्लू कलर का, ये तीन टाइम का क्रिस्टल लगा है, ये दोनों तो पिया था, ये नीचे क्रिस्टल लगा है। ये क्रिस्टल का फॉल्ट होता है, जब आप हैंग होता है ना, तो आपको ये क्रिस्टल ला के डाल देना, 110% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे पीस ऑन हो रहा है, कोई बटन नहीं काम कर रहा है, एकदम लैग हो रहा है, तो उसके लिए आप ये बटन डाल देंगे, चालू हो जाएगा। और इसमें सराउंड एसटीके आप देख लीजिए लगा है 44309, और दूसरा वाला 412150, देखिए एकदम कंप्लीट कर दिया हूँ। एकदम प्ले करके भी दिखा देता हूँ आपको, आप देखिए एकदम परफेक्ट हो गया ये। तो गाइस आप देखिए, इसमें ये वायर का भी बहुत काम है, ये वायर आप समझ लो काट भी दिया और नहीं लगाया, तो आपको 100% आवाज़ नहीं आएगी, और चालू करेंगे तो HP लिख के आएगा, जैसे स्टार्ट करेंगे स्टैंड बाई ऑन करेंगे वैसे ही HP लिख के आएगा, और सब कुछ वर्क करेगा, बट साउंड नहीं आएगा, हेडफोन पे रहेगा, और ये वायर जोड़ना ज़रूरी है, ठीक है। ये वायर जो है कौन से भी सेट से निकालेंगे तो वायर लगाना ज़रूरी है, और ये क्रिस्टल है, आप देख लीजिए नंबर भी, अगर आप दिख रहे हैं तो आप नंबर दिख लीजिए सोनी का, और यहाँ पर लगता है ये IC का है ना, ये मेन सिस्टम IC है, ये यहाँ पर क्रिस्टल लगा हुआ है, तो क्रिस्टल भी चेंज कर देना। एंड देखिए एकदम कंप्लीट चालू हो गया है,
परफेक्ट चालू हो गया है। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू सो मच गाइज़।